नमस्कार। लाइफ में अपनी लाइफ में इस चीज को खत्म कर देना, जब भी ये आपके अंदर पैदा हो, जब भी आपको महसूस लगे कि यार मुझे इस चीज को लेकर ये महसूस हो रहा है, तो उसको खत्म कर देना। वरना कभी ये हो सकता है कि आपकी असफलता का वो सबसे बड़ा कारण बन सकता। इट कैन बी बिग ट्रबल फॉर यू इन लाइफ, योर लाइफ। और वो चीज है डर। आप कहोगे सर डर, डर क्या चीज है? आज मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डर बताऊंगा, डिफरेंट टाइप, और हर इंसान में होते हैं। आप में है, मेरे में है, आप किसी को भी पूछ लेना, किसी न किसी बात का हर इंसान में डर होता है। कोई इंसान कहते हैं कि अगर मैं हर चीज में परिपूर्ण हूं और हमें हर कार्य करने में परफेक्ट हूं, तो इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव नहीं है कि हर व्यक्ति कहते हैं मैं हर कार्य में मतलब परफेक्ट हूं या हर कार्य। कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान को किसी न किसी चीज में तो डर लगता है। अब वो डर कितने ही प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो बताऊंगा, स्टेज पर जाने का डर। बहुत से लोगों को क्या है, स्टेज पर जाने का डर लगता है कि स्टेज पर कैसे जाएंगे, कैसे बात करेंगे। बहुत से लोगों को सबके सामने बोलने का डर लगता है। बहुत से लोग होते हैं ना, 10 जने या 15 जने बैठे हैं, उनके सामने नहीं बोल सकते हैं, उनको डर लगता है, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उनकी जीवान ऊपर नीचे होने लगती है, वर्ड कट कट के बाहर निकलते हैं, क्लियर नहीं बोल सकते। ये भी तरह तरह के डर होते हैं। बहुत से व्यक्तियों को अंधेरे से डर लगता है, लगता है, बिल्कुल लगता है। बहुत से व्यक्तियों को रिस्क लेने से डर लगता है, नहीं रिस्क नहीं लेंगे, जो चल रहा है जीवन में चलने दो, रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे। बहुत से व्यक्तियों को अकेले चलने में डर लगता है। बहुत से व्यक्ति बाहर घूमने जाते हैं या बाहर कहीं भी जाते हैं तो अकेले जाते हैं, डर लगता है कोई मेरे साथ रहेगा ठीक रहेगा, यार नहीं यार मैं अकेले नहीं जा सकता, ये भी एक तरह का डर होता है। बहुत से व्यक्तियों को सच बोलने का डर लगता है, उनको सच पता हो लेकिन अगर सच बोलने का डर लगता है, यार वो सामने वाला व्यक्ति मुझे क्या कहेगा, वो सच को अंदर ही अंदर दबा के रखते हैं, वो सच बोलने से डरते हैं। बहुत से व्यक्तियों को ऐसे ही किसी मौके पर हाथ पैर फूलने लग जाते हैं और एक शरीर कंपन करने लग जाता है। तो ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डर। हर व्यक्ति को किसी न किसी बात का डर होता है। तो अगर आपके अंदर भी इस टाइप का किसी का भी एक डर है ना, तो उसको निकाल देना। उस डर को अगर आप धीरे 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 अपने अंदर बड़ा होना लगोगे ना, अपने अंदर उसको बड़ा करने लगोगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप किसी सिचुएशन में और वही सिचुएशन बन गई आपके लिए और आपके तो अंदर वही डर बैठा हुआ है, और बस उस वक्त वह डर आपके ऊपर हावी हो जाएगा। और उस वक्त वह डर आपके ऊपर हावी हो जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, बस अपने हथियार डाल दोगे। तो आपको भी लगता है कि यार किसी न किसी टाइप का डर मेरे अंदर है, उस डर को निकालने की कोशिश करें। उस डेफिनेटली वह डर आपके तुरंत फिनिश नहीं होगा, उस डर को धीरे 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 खत्म करने की कोशिश करें। और डर कैसे खत्म होगा? जिस कार्य से आपको डर लगता है, जैसे आपको स्टेज पर जाने पर डर लगता है, जैसे आपको 10 लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, या कुछ भी जैसे डर लगता है, उस कार्य को बार बार करें। शुरुआत में आप 3 लोगों के सामने बोले, फिर धीरे धीरे 5 लोगों के सामने बोले, फिर धीरे 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 10 लोगों के सामने बोले, फिर धीरे धीरे 20 लोगों के सामने बोले, तो ऐसे क्या होगा, ऐसे आपका डर खत्म होगा। और एक दिन बाय द वे आप स्टेज पर जाना पसंद नहीं है, आपको लोगों के सामने बोलना पसंद नहीं है, लेकिन कोइंसिडेंस किसी दिन ऐसी घटना हो गई कि आपको 15 लोगों के सामने बोलना है, मान लो हो गई, और आपका डर है कि आप लोगों के सामने नहीं बोल रहे हो और आपने उस डर को कभी खत्म किया ही नहीं, और मान लो इन केस कभी ना कभी कोई सिचुएशन बन गई कि आपको 15 लोगों के सामने बोलना, तो फिर आप क्या करोगे? यू कांट डू नथिंग। आपके हाथ पैर फूलने लग जाएंगे, आपके मुंह की जीवान कट कट करने लग जाएगी, और हो सकता है कि आप स्टेज पर आने से पहले रोने भी लग जाओ। क्यों? क्योंकि आपने तो उस डर को अपने अंदर खत्म किया ही नहीं था। इसलिए जीवन में अगर किसी भी तरह का डर हो, तो उस डर को खत्म कर देना। अगर आपने उस डर को खत्म नहीं किया ना, तो वो आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। ध्यान रखना आप।